नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आज दिन सोमवार, दो दिन की छुट्टी के बाद लहसुन की मंडियां खुली हैं। देश और विदेश से लहसुन को लेकर के क्या 10 बड़ी खबरें हैं, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं उन 10 बड़ी खबरों की तरफ। सबसे बड़ी पहली खबर, इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी में आज दिनांक 26 फरवरी से कर्मचारियों के माध्यम से, जी हां, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर उसके बाद 1:30 बजे से 5:30 बजे तक लहसुन की बोली होगी। पहले यह बोली प्राइवेट आड़तियों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब से यह बोली सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही की जाएगी। ये अधिसूचना सरकार की तरफ से, मंडी की तरफ से जारी की गई है और इससे किसान काफी आश्वस्त नजर भी आ रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि सरकारी बोली होने से उनकी फसल के अच्छे दाम मिलने लगे हैं और 1,000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। आज सरकारी बोली चालू हो गई है, प्राइवेट सरकारी में कितना अंतर? 1,000 रुपए का अंतर है। अच्छा, किसानों को इससे कोई फायदा नहीं? तो फायदा है, सही देखो ना आप, 1,000 रुपए का फायदा है। आज प्राइवेट बोली भी लगी है, सरकारी बोली लगी है, प्राइवेट और सरकारी में कितना अंतर है? सरकारी में अच्छा है काम, प्राइवेट में कैसा था? मेरे को नहीं जम, हमने तो बेचा ही नहीं कभी प्राइवेट में। आज सरकारी में बेचा है? हाँ, पहले हमेशा सरकारी में बेचता है। प्राइवेट चली तो फिर? नहीं, हमने बेचा ही नहीं अभी। इंदौर की चोइथराम मंडी में लहसुन नीचे में 4,000 रुपए और ऊपर में 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। सरकारी बोली होने से किसानों का मानना है कि भाव अच्छे मिल रहे हैं। क्या नाम है? सुनील सिसोदिया। कहाँ से? हाथोद के पास, एक गांव माता बरौड़ी। क्या लेके आए? लहसुन। कितने बोल रहे हैं? 35 कट्टे 35। क्या भाव गया आज? मेरा मोटा माल गया 10,850। ये वाला कौन सी क्वालिटी का है? ये आमलेट, आमलेट 40। कहाँ से लाए? बनेडा से। क्या भाव गया आज? 11,500। आज ज्यादा कितना गया भाव? ऊपर में 14,100 तक देखा मैंने अभी। और नीचे में? नीचे में 6,000-4,000 तक भी गया। अच्छा, कितने बीघा में बोई थी? अपन ने बोई थी 4 बीघे की। राहुल पटेल। कहाँ से आए? बड़ा टिगरिया से। क्या लेके आए? लहसुन लेके आए। कितनी बोरी लहसुन है? कितनी बोरी है? 6 कट्टा है आज तो इनका। 29 कट्टे हैं। क्या भाव गया आज? ये आज गया 12,500 रुपए। आज ऊपर में भाव क्या गया लहसुन का? ये आज ऊपर में ही गया है भाव। नीचे में? नीचे में कल बिका, परसों बिका था, यही 11:30 बिका था। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का है? ये अमरेटा है। मध्य प्रदेश की मंडी नीमच मंडी में 2 दिन के बाद लहसुन की बंपर आवक देखने को मिली, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बहुत से किसान रविवार रात से ही मंडी के बाहर अपनी गाड़ियों में बैठे नजर आए और काफी लंबी कतारें वहां पर लगी दिखाई दी। मंडी में अंदर 18,000 बैग की अराइवल हो चुकी थी जब तक ये रिपोर्ट बनाई गई और उसके बावजूद बाहर, मंडी के बाहर करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां लहसुन की पटी पड़ी नजर आई, लाइनों में दिखाई दी। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी के मुख्य गेट पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें, ट्रैक्टरों और जो पिकअप वाहन हैं उनमें किसान अपनी लहसुन लेकर आए हैं। मतलब नीमच जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में, इवन जो पड़ोसी राज्य राजस्थान है वहाँ से भी किसान लहसुन लेकर यहाँ आ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि यहाँ अच्छा दाम मिलेगा और नीमच मंडी में लहसुन का दूसरी मंडियों की अपेक्षा अच्छा दाम मिलता है, इसके चलते ही किसान आते हैं। लेकिन किसानों को इतना टाइम हो गया है कि वो परेशान हो रहे हैं और कुछ किसान हैं जो पूरी व्यवस्था लेकर आए हैं, देख सकते हैं कंबल वगैरह है इनका, मतलब रात इन्होंने शायद यहीं गुजारी। कहाँ से आए भैया? बिल्कुल उमरा साहब, पापा से। हाँ, पास में। ये कब से बैठे हो यहाँ? 8 रात के 8 बजे से। तो ये तो मंडी के गेट के बाहर ही हो, आप अंदर कब जाओगे? अंदर तो पता ही नहीं। अंदर मंडी में तो दिख रही है ट्रैक्टर कर।
क्या पता, मतलब कुल मिला के आपको अभी तकरीबन ये समझ लीजिए कि 12-14-15 घंटे हो गए इनको यहाँ। अब 15 घंटे के बाद अभी इनको उम्मीद नहीं है कि कब तक नंबर आएगा। क्या व्यवस्था वहाँ पे है अभी? हाँ। खाने की व्यवस्था वहाँ पे लाना पड़ेगा, खाना खाएंगे। पानी पीने का भी नहीं है यहाँ पे। पानी की बोतल भी भरने का ही जाते हैं तो वो बोलता है कि बोतल पूरी नहीं लेनी पड़ेगी, भर के नहीं देंगे साहब। पानी भी आज दो दिनों के बाद मंडी खुली है तो आपको पता नहीं था कि ऐसी आवक हो सकती है? क्या है? नहीं पता नहीं था, पता नहीं था हमको। अच्छा, फिर अभी कुछ दाम अंदर के पता चले कि क्या चल रहा है? हाँ, दाम तो ठीक है वैसे, ठीक है। हाँ। क्या भाव चल रहा है? 11-12 हजार, 13 हजार, 14 हजार। ये बढ़िया कि हाँ, हमारे ठीक है। माल के हिसाब से छर्री का क्या चल रहा है? छर्री है इसमें बहुत सारी, छर्रियों का तो 6 हजार, 5 हजार, 6 हजार। अंदर का भाव पता चला कि नहीं चला अभी आज का? देख के आए ना, देखे आए, ठीक है। मतलब इनको उम्मीद है कि अभी भाव ठीक चल रहा है। और कुछ और किसान हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। दूसरे गाड़ी में जाना पड़ रहा है हमको। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह बड़गरा। कहाँ से आए आप? बड़गरा से। बड़गरा कहाँ पड़ता है? बन्नर तहसील उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो काफ़ी है सर, शाम की 6 बजे से लगे हुए हैं यहीं पे। 500 वाहन करीबन बाहर ही खड़े हुए हैं। ना तो जल की सुविधा है यहाँ पे कुछ भी। और मंडी में भी हमारी एक गाड़ी अंदर चली गई थी तो उस पर भी कम से कम 10-15 गायें इधर से उधर चलती रहती है मंडी में रात को। तो वहाँ पे संभालें कि यहाँ पे संभालें, समस्या काफ़ी सामना करना पड़ता है। कितने लोग आप लोग वहाँ से आए और कितनी उपज? कम से कम हमारी 10 गाड़ी आई हुई है यहाँ पे। तकरीबन कितनी उपज लेके आए होंगे? लहसुन कितनी लाए? कम से कम 500 कट्टे लेके आए। 500 कट्टे लेके आए। क्या उम्मीद है दामों को लेकर आपको? दामों से तो संतुष्ट हैं लेकिन कम हुए हैं थोड़े। पिछले बार जो मतलब जो 15 मिल रहा था आज वो मतलब पहले 30 मिल रहा था वो अभी 15 पे आ गया है। 12-13 पे आ गए। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह राठौर। और राठौर साहब रात को क्या परेशानी आई? रात को क्या ठंड लग रही है, यहीं सोए और क्या करें, कहाँ जाएंगे? तो मंडी प्रशासन की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं अंदर। तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है अंदर, खाने का पीने का कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर रात भर किसान परेशान होते रहे हैं और अब आधा दिन हो चला है, अभी भी उनको पता नहीं कब मंडी में नंबर आएगा, कब अपनी उपज बेच पाएंगे और कब घर जाएंगे। ऐसे हाँ, इनका कहना है कि भोजन पानी की तक की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नीमच मंडी में बंपर आवक के साथ साथ लहसुन की कीमतों में भी तेजी दिखाई दी। ऊटी लहसुन 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, तो वहीं देसी लहसुन 4,000 रुपये से तकरीबन 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। शुक्रवार के मुकाबले सोमवार 26 फरवरी को भावों में 1,500 रुपये तक का उछाल नीमच मंडी में दिखाई दिया। समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी के अंदर हैं। पहले हमने दिखाया कि किस तरह आज बम्पर आवक हुई, वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, साथ ही किसानों को जो समस्या आ रही थी उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया। अब हम मंडी के बारे में बताते हैं कि लगभग 18,000 बोरी की आवक है, जिसमें कुछ जो तकरीबन 100-150 ट्रैक्टर और वाहन जो है मंडी के बाहर भी खड़े हैं और किसानों को रात भर से परेशान होना पड़ रहा है। अभी तक जो बाहर किसान हैं उनको ये पता नहीं है कि कब तक उनका नंबर आएगा। जो किसान अंदर है वो क्या सोचते हैं? फिलहाल बताया जा रहा है कि आज लगभग जो ऊटी की लहसुन है 18 से 20 अधिकतम है और न्यूनतम की बात करें तो 9,000 तक है। वहीं जो देसी लहसुन की बात करें तो देसी लहसुन 4,000 से लेकर 12-13 हज़ार तक जा रही है, जो कि सामान्य भाव है। ये भी आ रहा है सामने कि जो ऊटी की लहसुन में आज लगभग 1,000 की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए हैं, ये भी उनसे जानते हैं। भाई साहब पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक राठौर। कहाँ से आए हैं? लासूर धामनिया से। तो क्या लेके आए हैं? लहसुन लेके आए। कौन सी आपकी लहसुन? ये फर्स्ट ऊटी। तो क्या उम्मीद है आपको, कितना दाम मिलेगा? लाभ तो वो जो हमें गुरुवार के दिन बेच के गया था वो बाजार आज वापस आ गए। शुक्रवार वाले बाजार में से तो 1,500 रुपये टाइट है आज, 1,000 से 1,500। हाँ, मतलब तेजी है। हाँ, तेजी है तो आज भी 14 से 15 हज़ार बिक सकती है, ऐसा अनुमान है। अनुमान है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी आपके पास कितना लहसुन का स्टॉक पड़ा है? अभी तो खड़ी साहब 9 बीघे की लहसुन और है।
और पिछले जो आज से 15 दिन पहले की बात करें तो जो भाव किसान को मिल रहे थे, ये हमने अभी 1.5 बीघे की बेच चुके हैं। अच्छा, तो मतलब 14-15 बिक्री सब कुल मिला के आज की स्थिति में जो भाव है वो सामान्य है। हाँ, मतलब नहीं, अच्छा बाजार है किसानों की। बाकी जो पीछे कुछ एक दो दिन पहले डाउन जा रहा था, वो शुक्रवार के दिन इन व्यापारियों ने आवक के हिसाब से 2,000-3,000 रुपये मध्य कर दिए थे, वो बाकी आज वापिस 1,000-1,500 रुपये ठीक लग रहे हैं मेरे को। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? यही कुछ तो मंडी प्रशासन की व्यवस्था से इन किसानों को परेशानी आ रही है। अगर प्रशासन मंडी की व्यवस्था सुधारे तो ये बाहर कतार नहीं लगती है। अगर शाम को ही ढेर होने से पहले अगर मंडी प्रशासन अगर इन किसानों को लंबे लंबे ढेर नहीं करने दे, छोटे ढेर करे, मतलब कम जगह में बड़ा ढेर करे, तो इसको परेशानी नहीं आए, ये बाहर 200 की लाइन नहीं लगती है। ये गलती मंडी प्रशासन की है, मंडी प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए आप कहाँ से आए? बेगू, अनूपपुरा। अनूपपुरा राजस्थान के बेगू से आए हैं? जी जी। तो क्या लेके आए? अभी लहसुन लेके आए? लहसुन लेके आए। कौन सी आपकी? हमारे देसी लहसुन है, G2। G2, अच्छा, G2 लहसुन। तो मीडियम है? अच्छा, मीडियम है। क्या उम्मीद है आपको उपज के? क्या दाम मिल सकते हैं? उपज तो यही है, 8-9 हज़ार बिक रहे हैं। 8-9 हज़ार? जी जी। वो वहाँ से इतना दूर आने का क्या रीज़न? उधर सही भाव बिकता नहीं है। कुल मिला के नीमच मंडी में अच्छा बिकता है इसलिए। तो जैसा कि किसानों ने बताया है कि आज जो है उपज के दाम जो मिल रहे हैं काफ़ी पहले की अपेक्षा बेहतर मिल रहे हैं, और जो बीच में कुछ दिनों में डाउन देखने को मिला था वो डाउन अब ख़त्म हो चुका है और पहले की तरह ही दम को दाम अच्छे मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अच्छे दाम किसानों को मिलते रहें। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच। मध्य प्रदेश में लहसुन की आवक और बढ़त का असर दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पर भी दिखाई दिया। आज़ादपुर मंडी में लहसुन 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। ऊपर में भाव 17,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में भी लहसुन की आवक दो दिन के बाद काफी अच्छी दिखाई दी, लेकिन वहीं लिवाली भी काफी बढ़िया दिखाई दी। 500 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी मंदसौर की मंडी में भी लहसुन की कीमतों में दिखाई दी, और यहां पर लहसुन, देसी लहसुन 13,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकता दिखाई दिया। आज 26 फरवरी सोमवार है और दो दिन के बाद मंडी खुली है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की जो मंडी है, यहाँ पूरी बम्पर आवक आज हुई है, क्योंकि दो दिन बाद जब मंडी खुली है तो स्वाभाविक सी बात है किसान जो है आज बड़ी मात्रा में यहाँ लेके आए हैं। दादा कहाँ से आए आप लोग? बड़ावस से। बड़ावस से क्या लेके आए? लहसुन। बिक गई आपकी लहसुन? बिक गई। क्या भाव बिकी? 9,720। अच्छा भाव है, बढ़िया भाव। अच्छा भाव। तो ये जो लहसुन है, ये किसान की, माफ कीजिए, ये जो लहसुन है देख सकते हैं कि ये लहसुन है किसान की, ये 9,620 रुपये गई है यहाँ मंदसौर मंडी के अंदर। और कुछ और किसान है, हम बात करेंगे कि उनकी क्या, इनके पास में पर्ची भी है। दादा कहाँ से आए? तालो से। क्या लेके आए थे? लहसुन। क्या भाव बिकी? 13,000। अच्छी बिकी है? अच्छी बिकी। आप कहाँ से आए दादा? कहाँ से आए? जुड़ावस से। ये कहाँ? उज्जैन के पास? हाँ, उज्जैन के पास। लहसुन लेके आए? हाँ, लहसुन। क्या बिक गई आपकी लहसुन? हाँ। क्या भाव बिकी? 11,400। ठीक है भाव। अच्छे। हाँ ठीक है, मैं कही करो, पहले 12-13 की गई थी, आज कटे और चले, थोड़े कम है भाव। हाँ। तो ये जो लहसुन है ये किसान की, दादा की सुख, कब से आए आप लोग? कब, कितने दिन? गुरुवार के दिन के खाली हुई। अच्छा, गुरुवार को खाली हुई। आज बिका? 5 दिन हो गया। हाँ, 5 दिन हो गया। अच्छा। हाँ। और क्या क्या पर्ची? दादा पर्ची दिखाना। पर्ची तो ये। अच्छा, ये वाली, इसकी। ये दादा की जो लहसुन है वो बिकी है और 11,400। हाँ। ये रेट है 11,400 के भाव की जो पर्ची दादा की बिकी है। और क्या लेके आया दादा? ये देसी, वो बड़ी हूँ। ये कौन सी है? ये उंटी है। उंटी है। हाँ। देसी क्या भाव बिकी है? देसी 6,811। 6,811 ये देसी का भाव है। ये पर्ची है दादा की और ये देसी है जो 6,811 है। मतलब कुल मिला के ऊटी का जो भाव था यहाँ दादा को मिला है 11,000। हाँ, 11,000 का भाव मिला है। और देसी का जो लहसुन है उनकी थोड़ा काम है। उज्जैन से जो किसान
लहसुन लेकर यहाँ आए हैं और मंदसौर मंडी के अंदर अपनी उपज बेच रहे हैं। देश भर में लहसुन का उत्पादन 33 लाख टन का माना जा रहा है। वहीं भारतीय लहसुन को विदेशी बाजार में भी पसंद किया जा रहा है। बीते साल की तरह साल 2024-25 में भी लहसुन के निर्यात की खबरें निकल करके आने लगी हैं और एक अच्छे खासे निर्यात के लिए अभी से ऑर्डर बुक किए जाने लगे हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी लहसुन का निर्यात अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उज्जैन के किसान लहसुन की बढ़ती कीमतों के चलते लहसुन के चोरों से सुरक्षा के नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक किसान बंदूक लेकर लहसुन की खेती की रक्षा कर रहा है तो वहीं एक किसान ने अपने खेत और स्टोर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं ताकि लहसुन की चोरी से बचा जाया जा सके। जो कीमतें इस समय पर लहसुन की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उससे चोरों का भी लहसुन पर अपनी नजर टिकाए रहने की जो खबरें हैं वो काफी निकल कर सामने आने लगी हैं। का डर रहे कभी लहसुन का भाव ज़्यादा है तो इसी कारण चूँकि यहाँ नेपेदारी कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये हमारा घर सामने जो दिख रहा है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। आप देख रहे थे लहसुन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आप कहीं मत जाइए, देश और विदेश की खबरों को जानने के लिए ट्यून रहें मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। क्या लेके आए? लहसुन। कितनी बोरी लाए? 41 बोरी। 41 बोरी लाए। आज सरकारी बोली अब लगना शुरू हो गई है तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? अब फर्क तो आज बिके बाद मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं, क्या प्राउड मिल रहा है और क्या सरकारी मिल रहा है। ये तो ये बिकने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। इसका कोई रेट पे असर पड़ेगा? रेट पे असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, किसान को कितना फायदा कितना नुकसान? किसान को तो फायदा क्या, बराबरी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती तो। अच्छा, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं? कोई नुकसान और कोई फायदा भी नहीं है। कितने बीघा में बोई थी अपन ने लहसुन? ये 5 बीघा में बोई थी। उत्पादन कितना आया? उत्पादन आया 40 घंटे बीघेगा। कौन सी क्वालिटी का लहसुन है? ये J2। आज क्या भाव रहने की संभावना है? अब आप देखते हैं, नीलामी में और चालू हो गई है, आने में फर्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में अब राजस्थान से भी लहसुन आएगा, गुजरात से भी आएगा, तो इसका कोई फायदा भी नहीं? वो तो फिर आएगा तो घटा ही जाएगा, असर पड़ेगा भाव में, पकड़ लूंगा। क्या नाम है? प्रकाश राठौर। कहाँ से आए? कछलिया गाँव। कितना लहसुन लाए? मैंने लाया था 40 कट्टे। कौन सी क्वालिटी का है? ये 2200 G2 लाया था। अच्छा, क्या भाव गया आज? ये गया 12,800। अच्छा, कितने बीघा में बोया था अपन ने? ये तो अपन ने 5-6 बीघे का बोया हुआ है। अच्छा, उत्पादन कितने में आया? उत्पादन तो यही 20 क्विंटल बीघे का आ रहा। अच्छा, प्राइवेट आज सरकारी बोली शुरू हुई, प्राइवेट सरकारी में कितने अंतर? बहुत अंतर रहता है, किसानों के यहाँ सुनवाई नहीं होती है, वहाँ किसानों की सुनवाई होती है। अच्छा, और अब यहाँ क्या है कि इनको जो मर्जी भाव हो तो छोड़ना पड़ती बोली। अच्छा, मतलब परेशानियों का सामना करना। हाँ। अच्छा, आज अधिकतम भाव कितना गया? तो अधिकतम 13,000। न्यूनतम तो अभी ये जैसे 2,000-4,000 भी बिक रही, हल्का वाला तो कम बिक रहा। क्या नाम आपका? प्रकाश राठौर, कछलिया। आज कितना माल आया मंडी में? मंडी में होगा 40,000 कट्टे। 40,000। आज सबसे ज्यादा आवक रही मंडी में। कौन कौन सी क्वालिटी का आता है अपने? ये G2 आता है, देसी आता है, हाँ, सब तरह का लहसुन आता है।